माफ़ीशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपों में कर दे। माफ़ीशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपों में कर दे। माफ़ीशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपों में कर दे। सीता सवित्री जी, जोगिंदर जी और उनके साथ मनोज चौधरी जी, प्रेसिडेंट आरडब्ल्यूए बेस्टेक दारुएडा, इनका स्वागत करेंगे एक बार जोरदार तालियों से। अब सरस्वती वंदना के लिए मैं फर्स्ट क्लास की गर्ल्स को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। फर्स्ट क्लास मंदिर राम भारत में भर दे।
उनको उनका माला पहनाकर एक बार स्वागत करें, क्योंकि जब वो आए थे, जब प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था, तो उनका स्वागत नहीं किया गया था। तालियों में कभी नहीं आनी चाहिए। एंड थैंक यू, आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और ख़ास तौर पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय हवा सिंह जी और सरपंच जी मनोज जी, सभी पेरेंट्सों का स्वागत है यहाँ पे, और हार्दिक स्वागत है कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और हम खुशकिस्मत हैं, हमें आप लोगों का साथ मिला, और आप लोग 2 घंटे से यहाँ बैठे, 12 बजे से बैठे हुए हैं, है ना। सबके साथ ऐसा नहीं होता है कि लोग टाइम, आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो इस काम के लिए टाइम निकाल पाते हैं, तो इसके लिए आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू। तो स्कूल के बारे में आप बोलिए और बच्चों का प्रोत्साहन। बड़े भाई सरपंच साहब जोगिंदर जी, मेरे बड़े भाई मनोज चौधरी जी, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, डायरेक्टर साहब, आदरणीय बुजुर्गण, माताएं बहने, मेरे युवा साथियों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम प्रेमियम पब्लिक स्कूल का 4th वार्षिक उत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए बस 2 ही शब्द कहूँगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि ये बच्चों का प्रोग्राम है, तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि बच्चों, ये आपके जीवन का सबसे अनमोल समय है। यहाँ पर जो दोस्त आपको मिल जाएंगे वो ज़िंदगी में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, तो अपनी यारी दोस्ती बढ़ाते हुए, अपने पढ़ाई लिखाई में रुचि दिखाते हुए, खेल कूद के साथ साथ सारी एक्टिविटीज़ आपको बढ़ चढ़ के करनी चाहिए, जिससे कि आपका क्षेत्र का नाम गौरवमय हो। और मैं यही कहूँगा कि ये स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको उनका उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और उसके बाद मैं स्टेज पे गणेश वंदना के लिए फर्स्ट क्लास के बॉयज को बुलाना चाहूँगा, फर्स्ट क्लास के बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम UKG क्लास, गणेश वंदना के लिए स्टेज पर आ जाइए। श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश।
चौथा वार्षिक महोत्सव मना रहा है, उसके उपलक्ष में स्कूल के डायरेक्टर साहब, मुख्य अध्यापक जी और वैरेनियम पब्लिक स्कूल के परिवार के सभी सदस्य को मैं बधाई देना चाहता हूं। और हमारे साथ पर मंच पर मौजूद बड़े भाई हवा सिंह दायमा जी, जो कि एक अच्छे समाजसेवी भी हैं और भिवाड़ी नगर परिषद से पार्षद भी हैं, कोई इनके परिचय से मोहताज नहीं है, बस जानते ही होंगे सब। दूसरा मेरा बड़ा भाई मनोज कुमार, जो कि बेस्टेक प्रेसिडेंट IWA धारड़ा से हैं, ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनको मैं भी बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने भी अपना टाइम निकाला और इस इवेंट में शामिल हुए। मैं इनको भी बधाई का श्रेय देना चाहता हूँ। आज जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं,
छोटे छोटे बच्चे स्टेज पर आकर अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। आज बच्चा अगर इस थोड़ी सी गैदरिंग में बोलता है तो आके वो अच्छा वक्ता भी बन सकता है, अच्छा डांसर भी बन सकता है, अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता है, IAS ऑफिसर भी बन सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटी करना भी स्कूल के लिए बड़ा ही बढ़िया कार्यक्रम होता है कि साल में एक बार ऐसा भी कराएं, खेलों के प्रति भी जागरूक करें। एक मैं ये तो बोलना नहीं चाहिए, वैसे मास्टर जी कह देंगे एक पंथ दो काज कर रहा है, तो एक मैं आप कॉलोनी वासी यहाँ मौजूद हैं, मेरी माताएं बहने की सबसे ज़्यादा गैदरिंग यहाँ दिखाई दे रही है मुझे, मैं एक चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं अगले महीने आपकी इस कॉलोनी में एक मीटिंग का आयोजन कर रहा हूँ ग्राम पंचायत की तरफ से। इस मीटिंग में जो भी आपकी कॉलोनी की समस्याएं हैं उन पे हम आपसे उनको लेंगे, आपसे शेयर करेंगे और उन समस्याओं का निदान करेंगे। उसकी कोई भी डेट फिक्स होगी मैं आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। मीटिंग हमारी आपकी जो कम्युनिटी सेंटर विकास नगर है उसमें होगी। उसमें सबसे अहम मुद्दा रह जाएगा वो हमारा सफाई के ऊपर रहेगा, जो कि ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ MRF शोरूम के सामने यहाँ कचरे का ढेर लगा रहता है। तो इससे निजात दिलाने के लिए मैंने और भाई मनोज कुमार ने एक प्रपोजल तैयार किया है, शायद वो हमारा सिरे चढ़ जाए। आपकी इस कॉलोनी में हमें एक ट्रैक्टर घुमाएंगे कूड़े कचरे वाला, तो वो आप वो जिस टाइम आए, सुबह का टाइम फिक्स करें, शाम का टाइम फिक्स करें, तो वो एक धोतू दे देंगे उसको, वो आप अनाउंस कर देगा और उसमें आप उस कचरे को डाल देंगे। ये एक हमारी सोच है, उसको सिरे चढ़ाने की हम सोचेंगे। और तो मुझे लगता है शायद आप कॉलोनी वासियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर और कोई भी है तो उसको आप चीज़। मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपका बेटा हूँ, यही आपके पीछे हूँ मैं, तो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। तो इस कार्यक्रम का मैं चाहता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम साल में एक बार जरूर करें। ये तो मास्टर जी डांस का हो गया, अगर आप इसमें एक खेल कूद प्रतियोगिता का भी करें तो वो भी अच्छा होगा। खेल प्रतियोगिता में हमारा हरियाणा वर्ल्ड में नंबर 1 के ऊपर है, जितना और देश में आते मेडल उससे कहीं ज़्यादा हमारा अकेला हरियाणा ही उसमें मेडल लाता है। तो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अपनी प्रतिभाएं हमारे बच्चे दिखा रहे हैं हमारे हरियाणा के। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अरे गेस्ट का, और जो भी उन्होंने कहा कि हम स्पोर्ट्स को लेकर एक दो फंक्शन स्पोर्ट्स डे मनाएं या जो भी, हम इस पर ज़रूर सोचेंगे सर। और दूसरी बात जो इन्होंने कही सफाई से रिलेटेड, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये सही कहा सर ने कि हाँ कचरा थोड़ा रहता है, और आप सब जानते भी होंगे कि स्वच्छ भारत अभियान पर कितना जोर दिया जा रहा है आजकल। तो आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, सरपंच जी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गंदगी ना रहे और हमारा विकास नगर और ज़्यादा साफ बने, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि गंदगी ना फैलाए। और उसके बाद जैसे मैंने अनाउंस करा था बेटियां थी, वो अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि एक बच्ची रेडी नहीं है, नव्या, उसके पेरेंट्स जहाँ भी गए एक बार मैम से आकर मिलें। नव्या जो चंदा मामा दूर के सॉन्ग पे और बम बम बोले, इन दोनों सॉन्ग्स पे परफॉर्म करेंगे। प्ले क्लास के स्टूडेंट को मैम स्टेज पे भेज दीजिए। पकाए भूर के आप खाए थाली।
चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के बोल रे मैं भी हूँ तू भी है ओ मैं भी
दो साल का, कोई ढाई साल का, कोई तीन, तीन से ऊपर का कोई नहीं है। तीन साल के बच्चे जो कई बार बोलना तो बड़ी बात है, क्योंकि जब ये स्टेज पर आते हैं तो इनके अंदर की जो झिझक होती है, जो डर होता है, वो खत्म होता है धीरे धीरे। डांस है वो तो सीख जाएंगे, उसके लिए तो इनके पास पूरी लाइफ पड़ी है, बट यहाँ पे आके खड़े होना ये सबसे बड़ी बात है कि 200 लोगों के सामने हम हैं। बस होता है ना यही, स्टेज पर जब बच्चा चढ़ता है या कोई भी चढ़ता है तो उसके लिए क्या होता है कि सामने सारी भीड़ है और ये मेरे लिए आई हुई है, तो ये हमारे खुद के अंदर, इन बच्चों के अंदर जो भी खड़ा होता है सामने, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है। तो खाली डांस को ना देखे, ये देखे कि इन्होंने कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो किया है। जो सबसे आगे बच्ची खड़ी थी, मैं सच बताऊँ, वो 2 साल की है सिर्फ, फिर भी उसने इन सबसे अच्छा डांस किया है। तो वो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका था। अब मैं अपना अगला प्रोग्राम, बेटिया थीम जो हमने रखी थी सेफ गर्ल्स चाइल्ड पे, उनकी गर्ल्स को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। Okay.